हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम 5 mm का एक ग्रूव बनाना चाहते हैं और वो आर लूप की मदद से बनाना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह से बनाएं, ये फिलहाल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये मेरा कुछ हेडर है, यहाँ पर मैंने पेंटाकट या कह सकते हैं कि 2 mm पार्टिंग टूल को यूज़ किया है, जो जिसकी VC है 120 और मैक्सिमम RPM कुछ 1000 तक मेरा चक रोटेट होना चाहिए। नाउ 100 mm का डायमीटर है, मुझे 95 ग्रू ओडी चाहिए, उसके साथ ही मुझे 5 mm की विथ चाहिए। मुझे मेरे पास 2 mm की इंसर्ट अवेलेबल है नाउ। तो वो मैं आर पैरामीटर्स की मदद से किस तरह से प्रोग्रामिंग करूँ, तो वो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा बेसिक लूप रहेगा, वो मैं ऐसे डिफाइन करना चाहता हूँ कि मेरा टूल जो फर्स्ट प्लंज मारेगा तो वो 100 से 95.1 तक लगाएगा। मुझे फिनिश अमाउंट छोड़ना है, मटेरियल छोड़ना है, वो 0.1 का रहेगा पर साइड, 0.05 mm यानी 50 माइक्रोन। ओके नाउ, तो मैंने कुछ फ्लंज जो जो डिस्टेंस है मुझे जहाँ पर ग्रूव चाहिए वो है जेड -10। -10 से मुझे 5 mm विथ वाला एक ग्रूव चाहिए। और मैं अगर बता दूं कि मुझे किस प्रकार से ग्रूव चाहिए, तो ये कुछ आप देख लीजिए, जो मेरा सिमुलेशन है वो ड्राइंग है और मैं कुछ इस तरह से प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो आपको मोर क्लेरिफाई रहेगा। एकदम फटाक से ये हमारा ड्राइंग है। ये रहा, ओके। यहाँ 10 mm की लेंथ पे मुझे 5 mm की विथ वाला एक ग्रूव चाहिए। तो ये सिंपल सा एक ड्राइंग है, उसको कंसिडर कर लीजिए। और मैं इसको कैसे मैनिपुलेट करता हूँ, कैसे प्रोग्राम बनाता हूँ, वो देख लीजिए। फिलहाल ये जेड -10 पे हमारा ग्रूव है, ओके, और उसकी विथ है 5 mm। तो -10 से -5 यानी कि 5 mm की विथ। तो चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो मुझे क्या करना है कि मेरे पास 2 mm की इंसर्ट है और मैं दोनों तरफ फिनिश अमाउंट जो छोड़ना चाहता हूँ फेस पे, वो 0.5 का रिमेन करना चाहता हूँ, यानी कि छोड़ना चाहता हूँ। तो मुझे फर्स्ट प्लंज लगाना है वो 10 से 0.5 की दूरी पर, यानी कि 9.5 पर मुझे प्लंज लगाना है जेड में, लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे 8.5 पे लगाना है, फिर 7.5 में। जब मैं 7.5 पे जो मैंने इंसर्ट से जो मैंने जेड लिया है वहां से अगर कैलकुलेट करूंगा, तो वो इंसर्ट का जो ऑफसेट वाला पॉइंट है वो 7.5 पर कट करेगा, बट जो उसकी सेकेंडरी इंसर्ट की एज है या कह सकते कॉर्नर है वो कट करेगी 5.5 पे। यानी कि जब मेरा टूल 7.5 पर चल रहा होगा जेड -7.5 पर, तो उसकी जो सेकेंडरी कटिंग एज है या कह सकते हैं जो उसकी दूसरी साइड है इंसर्ट की, वो 5.5 mm पर कट लगाएगा। और मुझे जेड -5 डिस्टेंस से ग्रूव चाहिए। नाउ अगर बात करें तो प्लंजिंग की, तो सबसे पहला जो प्लंज लगेगा वो 95 पे लगेगा, फिर 8.5, फिर 7.5 पे। जब 7.5 पे लगेगा तो ऑलरेडी मटेरियल है वो 5.5 तक कट हो चुका होगा। नाउ यहाँ पर मैंने दो आर वेरिएबल का यूज किया है, R2 9.5, यानी कि मुझे साथ साथ तीन प्लंज टोटल यहाँ पर चाहिए, एक 9.5 पे, ये एक 8.5 पे, एक 7.5 पे। 9.5 पर जो प्लंज रहेगा उसको मैं वेरी करूंगा जेड के हिसाब से, R2 = 9.5 BB, जो कि मेरा एक एड्रेस है, मैंने BB को अपने लूप को कंसिडर किया है। G0 = R2, R2 यानी जेड की वैल्यू रहेगी, मैंने जेड को वेरी कराया क्योंकि मुझे तीन प्लंज चाहिए। 9.5 पर मेरा पहला प्लंज, फिर मुझे ये भूल जाना है,
आर वन इक्वल टू 101, मेरा रॉ मटेरियल का 100 का डायमीटर है, मुझे 95 का एक क्रू ओडी जनरेट करना है। नाउ 101 से मैंने प्लंजिंग स्टार्ट किया, ये ए ए मैंने एक एड्रेस यहाँ पर दे दिया कि मुझे फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कई सारे प्लंज लगाने हैं 100 100 माइक्रोन्स के, क्योंकि चिप ब्रेकिंग इजीली हो जाए और मेरा टूल इजीली उसकी इंसर्ट है वो ज़्यादा वियर ना हो, इसीलिए। तो आर वन इक्वल्स टू 101 ए ए मैंने एक एड्रेस दिया, जी वन एक्स इक्वल्स टू आर वन, तो ये कोऑर्डिनेट पे आएगा, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है तो है 101, फिड रखनी है 0.1। ये कुछ मैंने डिट्रैक्ट डिफाइन किया है, एक्स इक्वल्स टू आर वन प्लस 0.1, यानी कि वो 0.1 ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कुछ इस तरह से मुझे प्लंजिंग करवाना है जिससे चीप ब्रेकिंग इजीली हो पाए। ओके, आर वन इक्वल्स टू माइनस 0.1, तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया, यानी कि आर वन की वैल्यू डाउन होती जाए, इंक्रीमेंट को आप डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, कि पहले 101 हो फिर माइनस 0.1, यानी कि क्या होगा 100.9, फिर वो 100 पर रिट्रैक्ट करेगा, फिर वो उसकी जो कटिंग होगी फीड में वैल्यू आएगी वो होगी कौन सी होगी, पहले हमने कहाँ पर लगाया 100.9 पे, फिर वो 100.8 पर आएगा, फिर वो 100.7, इस तरह से वो कट करता हुआ 95.1 तक आ जाएगा, फिर गो टू बी ए ए, जब तक ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती रहेगी वो ए ए के एड्रेस पर चला जाएगा और टूल पाथ को कंटिन्यू करेगा। और ए ए हमने लिखा है तो उससे नियरेस्ट जो जहां पर हमें ए ए मिलेगा वो यहाँ वहां पर जाकर पाथ को कंटिन्यू करेगा, जैसे कि ए ए कहाँ पर है नज़दीकी तो यहाँ पर है, तो फिर से ये पाथ चलता जाएगा। तो जब तक वैल्यू आर वन की 95.1 से छोटी ना होगी तब तक ये पाथ कंटिन्यू करता जाएगा। नाउ उसके बाद जब 95 की वैल्यू आ जाएगी तो X102 यहाँ से ये लूप डिसकंटिन्यू हो जाएगी, X102, फिर M0 मैंने ऐसे ही लिखा है, जब मैं सिमुलेशन आपको दिखाऊंगा तो इजीली समझा पाऊँ, इसीलिए R2 = R2 + 1, R2 की वैल्यू क्या है -9.5, फिर मुझे 8.5 पर प्लंज कराना है, इसलिए मैंने R2 = R2 + 1 किया, R2 की वैल्यू है यहाँ पर -9.5 + 1 = -8.5, सो दूसरा प्लंज लगेगा 8.5 पर, Z - 8.5 पे। फिर मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, एक कंडीशन फिर से दे दी R2 के लिए कि R2 की वैल्यू जब तक -7.5 से छोटी होगी तब तक वो BB लूप को फॉलो करे, BB लूप कौन सा है तो यहाँ पर है BB, तो फिर से Z = R2, तो R2 की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, वो यहाँ पर -9.5 + 1 के बाद -8.5 हो चुकी, यानी कि अब वो -8.5 पे प्लंज लगाएगा, फिर से ये हमारा टूल पाथ कंटिन्यू 95.1 तक हमारा ग्रूव ओडी बन जाए, फिर वो यहाँ नीचे आएगा, फिर -8.5 + 1 यानी कि -7.5, फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्योंकि -7.5 या उससे छोटी वैल्यू जब तक आएगी तो ये बीबी तक जाएगा और फिर से ये कंटिन्यू करेगा, फिर यहाँ पर आएगा तो -7.5 + 1 यानी कि -6.5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो यहाँ से ये लूप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने कुछ रेडियस दोनों तरफ लगाई तो प्रोग्राम आप देख सकते हो, फिर मैंने क्या किया G0Z - 6, फिर मेरा ओडी फिनिश ओडी है X100 का, तो वहां पर मैंने टूल लाया, फिर मुझे -5 mm विथ वाला एक ग्रूव बनाना है, मेरी 2 mm की इंसर्ट है, तो जब मैं ग्रूव के जो इंसर्ट को मैंने जहां से जेड लिया होगा जेड का ऑफसेट उसकी दूसरी ओर की साइड भी कटिंग कर रही होगी, तो मुझे उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाना है कि मुझे 5 mm का विथ चाहिए तो मुझे Z-5 पर कट आनी चाहिए, तो जब मैं यहाँ 2 mm की इंसर्ट यूज कर रहा हूँ तो Z-7 करूंगा तब Z
जेड माइनस फाइव पर मुझे मटेरियल कटा हुआ मिलेगा, तो वो आप देख सकते हो, अभी सिमुलेशन में आपको वो बताऊंगा। मुझे रेडियस से 0.5 की, तो मैंने सिंपल से यहाँ आर एन डी इक्वल टू 0.5 लिख दिया। फिर एक्स 95 का मुझे ग्रू बॉडी चाहिए, तो जी वन एक्स 95 मैंने यहाँ पर टूल ट्रैवल कराया है जेड माइनस एट तक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी माइनस 9.5 तक तो मटेरियल रिमूव कर दिया है। माइनस एट, फिर एक्स 102। अब मुझे लेफ्ट साइड की जो वॉल है उसको फिनिश करना है ग्रूव में, तो मैं मेरे टूल को ले गया यहाँ माइनस 11, फिर एक्स 100 पर टच कराया, फिर एक्स जेड माइनस 10 पर लाया, यहाँ पर 0.5 की रेडियस, 95, जेड माइनस 8, एक्स 102। कुछ इस प्रकार से मेरा पूरा प्रोग्राम है। और आपको ये पता ही होगा कि जब मैं ग्रूव का यूज कर रहा हूँ तो ग्रूव में दो साइड आती है कटिंग करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ऑफसेट कुछ टूल के इस साइड से लिया है, यहाँ पर मैं टूल लाया, फिर इस साइड की मदद से मैंने ऑफसेट लिया। भले ही मैं Z माइनस यहाँ पर 9.5 लिखा है, बट वो कट तो यहाँ पर भी करेगा 7.5 से। 2 mm की इंसर्ट को मैं Z माइनस 9.5 पर कट करूंगा, तो ये 2 की विथ है, इंसर्ट की विथ 9.5 पर भले ही कट करूं, बट वो ग्रू तो 7.5 पर भी करेगा, आप यहां पर देख सकते हो। हाँ, मैंने 9.5 पर प्लंज कराया है यहां पे, तो उसके साथ ही 7.5 का भी हमारा ग्रू ऑलरेडी बन चुका होगा, यानी कि जो विथ है वो 2 mm की है, 9.5 से 7.5। तो टूल जब चलेगा तो वो 2 mm विथ वाला एक ग्रू बना देगा। नाउ थोड़ा स्लोली अगर सिमुलेट करें हम, तो वो कैसे कट कर रहा है, तो यहाँ 8.5 पे जो दूसरी लूप थी उसको Z की वैल्यू ले ली, और जो बीच की AA एड्रेस वाली लूप थी वो अभी कंटिन्यू हो रही, प्लंजिंग हो रही है 0.1 के प्लंजों के साथ, वो 95.1 तक रुक जाएगा। फिर अब 8.5 प्लस 1 की बारी है, यानी कि तीसरा 8.5 प्लस 1 यानी कि माइनस 7.5। जब ये 7.5 पर चल रहा है तो यहां पर दूसरी जो उसकी कटिंग एज है वो 5.5 तक कट ऑलरेडी कट कर चुकी होगी। नाउ अब बारी है फिनिश की, तो मैंने फिनिश कुछ इस प्रकार से किया, यहां पर टूल लाया, एक्स 100 पर मैंने टच कराया, फिर आर एन डी की बारी, ये मैंने यहां पर 7 लिखा है, बट वो ग्रू 5 mm तक कट कर देगा। अगर ये जेड माइनस 5 आप लिखते तो वो जेड माइनस 3 तक कटिंग ऑलरेडी वो कर चुका होता, तो ये बात खास याद रखना। और अच्छी तरह से अगर डिफाइन करोगे ऑफसेट में जाके इंसर्ट की विथ, तब ही आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आएगा। सबसे पहले हम ये प्रोफाइल देख लेते हैं कि जेड माइनस 10 पर मुझे ग्रूव चाहिए, यहाँ रेडियस लग चुकी है जिसे बर सारे रिमूव हो चुके होंगे। जेड माइनस 5 यानी कि 5 mm की विथ है ग्रूव की, 95 का ग्रूव ओडी है। नाउ दूसरी चीज है, आपको ऑफसेट में जाकर एक बार टूल की जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको सही से डिफाइन करनी है। जैसे कि ये प्लंज कटर मैंने यहां से चूज किया है, प्लंज कटर, फिर यहां पर मुझे दो चीजें सही से देनी है, उसकी नोज रेडियस है 0.2 की, प्लेट विथ, ये सिमुलेशन अच्छे से देखने के लिए परफेक्ट डिफाइन करनी जरूरी है। अगर मैं यहां पर 5 डिफाइन कर दूंगा तो कुछ अलग ही बात हो जाएगी, तो घबरा जाएंगे हम कि प्रोग्राम मैंने गलत कर दिया है, बट प्लेट विड्थ अच्छे से डिफाइन करनी भी जरूरी है। प्रोग्राम को अच्छे से वेरीफाई करने के लिए आपको टूल सारे
परफेक्ट डिफाइन करने पड़ेंगे। मैंने वही प्रोग्राम स्टार्ट किया बट यहाँ पर 5 mm की विथ की एक इंसर्ट है, तो क्या होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। हमने देखा था Z-5 तक वो आया था, ये Z-10 तो सही रहेगा बट 5 mm की विथ है तो वो 7.7 पे जब कट लगाएगा तो 7-5 यानी कि 2 mm तक हमारा ग्रूव बन चुका होगा। तो कुछ इसकी विथ रहेगी 8 mm, 10 से 2 यानी कि 8 mm की विथ बनेगी। तो कुछ इस प्रकार से परफेक्ट टूल भी डिफाइन करना ज़रूरी है अच्छे से सिम्यूलेशन देखने के लिए।